कि ये चमचमाती हुई ट्रॉफी भगवतीपुर के जो कैप्टन है मिस्टर राहुल उनको प्रदान करें। मैं बताना चाहूंगा कि भगवतीपुर के टीम को इस चमचमाती ट्रॉफी के साथ नगद 21,000 रुपए का इनाम मिलते रहेंगे और आप लोग अच्छा से अच्छा आयोजन कीजिए और खिलाड़ी से आग्रह करेंगे खेल भावना में खेल खेलते रहिए और स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए खेल के साथ खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि खिलाड़ी खेलते तो हैं लेकिन उसका जो खान पान है बहुत ख़राब है। देखते हैं च्युइंगम के बदले बहुत लोग फालतू गुटखा वगैरह का भी सेवन करना शुरू कर दिए, खिलाड़ी के लिए ये चीज़ नहीं है। आप जब खेलते हैं तो एक आदर्श के रूप में फील्ड में रहते हैं, हम चाहें कि आपको जब देखे लोग तो एक आदर्श बनाए होगा। दोनों टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कई पर जूम हो गए ये सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे हैं अखिलेश जी जिन्हें सम्मानित कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार। इधर देखे भैया नहीं कि सितारे लुटा सकूं, मौसम भी नहीं हूं कि पहाड़े लुटा सकूं, शब्दों का बादशाह हूं क्योंकि पत्रकार हूं लिखता हूं, शब्दों का बादशाह हूं शायद नहीं जनाब अक्षर लुटा रहा हूं जितना लुटा सकूं। पत्रकार एक अक्षर ही लुटा सकता है और मुझे खुशी तब होती है जब किसी थाना इंचार्ज शुरुआती से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को सहयोग करे, साथ में मनोज कुमार जी भी हैं जो आप लोगों के साथ हर समय खड़े हैं। आज थाना इंचार्ज जी जो हमारे दीपक कुमार अम्बू जी हुए बहुत व्यस्त थे, बहुत व्यस्तता के बावजूद वो हमारे पंचायत में ये नवतोल भराम तो है ही शासित कोठिया पंचायत है, ये जगह कोठिया पंचायत में ही आते हैं, वहाँ इन्होंने आकर के हम लोग का प्रोत्साहन जो बढ़ाया है हम लोग दिल से इनको धन्यवाद देते हैं। थाना इंचार्ज जी से बोलेंगे कि दो लाइन आप लोगों को कुछ अपना संदेश दे अपने खिलाड़ियों के लिए। सर दो लाइन प्लीज प्लीज सर दो लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिकेट के आयोजक को। शीतलहर का मौसम था और हम लोग को लग रहा था कि मैच शायद आगे बढ़ेगा लेकिन इन्होंने तय समय में मैच का फाइनल भी कर लिए और यहाँ उपस्थित